इटावा के भरतना में आज नगर में गरजा योगी बाबा का बुलडोजर। नगर में अवैध अतिक्रमण हटाने अभियान के तहत कई दुकानों पर चला बुलडोजर। मौके पर प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी राम आश्रय कमल ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार सार्वजनिक स्थलों, सड़क मार्गों पर स्थायी अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नाली टू नाली अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चलाया जा रहा बाबा का बुलडोजर कई दिनों से चल रहा था। अवैध कब्जे एवं दुकान के सामने अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका में हुई थी महत्वपूर्ण बैठक। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई बार शासन के निर्देश अनुसार पालिका प्रशासन द्वारा नगर में अवैध स्थायी अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसके चलते दो चार दिन तो प्रशासन भी सक्रिय रहा, किंतु सप्ताह भर के अंदर ही अतिक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप नगर अतिक्रमण के कारण जाम की भीषण समस्या से आज भी जूझ रहा है। अब देखते हैं आखिर अतिक्रमण अभियान का असर कब तक रहेगा। योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद दुकानदार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। शासन प्रशासन के निर्देशों के क्रम में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी समस्त चौपड़ पूर्ण पूर्ण कर ली गई थी। आज पुलिस दल के साथ में नाला और फुटपाथ और सड़क का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हम पुलिस ने लोग बाजू की हटा रहा है और कल परसों में हम लोग उधर ले जाएंगे, अदर की जगह में ले जाएंगे। मेन रोडों पर जहाँ जहाँ जाम की समस्या और जहाँ जहाँ हमारे नाले टोक हैं और उनकी सफाई की समस्या आती है, वहाँ पर अभियान चलेगा। तो जनता में किस तरीके के विरोध देखने को मिल रहा है? नहीं, विरोध अभी तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अतिक्रमण हटाते वक्त किसी का कोई अभी विरोध सामने नहीं आया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।